मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में बेहद चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। जी हाँ, वे यूथ कांग्रेस के दिनों में संजय गांधी के बेहद नज़दीक थे और कमलनाथ को पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर राय और प्रिय रंजन दास मुंशी को टक्कर देने के लिए संजय गांधी ने उनके मुकाबले में उतारा था। वे संजय गांधी के बेहद विश्वस्त थे। इमरजेंसी के बाद जब संजय गांधी को गिरफ्तार किया गया तो मित्र संजय की खातिर कमलनाथ जस से भिड़ गए, जिसके लिए उन्हें तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी। तभी से इंदिरा गांधी की नज़र में कमलनाथ का कद बढ़ गया। इसी दौरान संजय गांधी की असमय मौत हो गई। इंदिरा गांधी की बढ़ती उम्र भी अब उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन कमलनाथ हर मुश्किल मौके पर पार्टी और परिवार के साथ खड़े हुए नजर आते थे। इसके इनाम स्वरूप ही उन्हें 1980 के चुनाव में छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट देकर राजनीति में उतार दिया गया। चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था, आप कांग्रेस नेता कमलनाथ को नहीं, मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दीजिए। तब लोगों ने भी नारा लगाया था, इंदिरा के दो हाथ संजय और कमलनाथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।